हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑटो एरा। और फिलहाल मैं अभी आपके लिए जो सामने व्हीकल आप देख रहे हैं, टाटा पंच का इंटीरियर आपको लेकर आया हूं, जिसको मैं पूरी तरीके से डिटेल आपको बनाने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही आप देखेंगे तो इसके सिस्टम में मैं शुरू करता हूं इसके स्विच से, जिसमें यहाँ पर आप टैली कर रहे होंगे स्टार्ट स्टॉप इंजन ऑप्शन दिया हुआ है। इसे टच करने के बाद सामने आपका MID स्क्रीन शुरू होता है, जिसमें शुरुआत में टाटा का आपको मिलता है इम्प्रिंट। उसके बाद ही आपको पूरे स्पीडोमीटर कंसोल और बाकी सिस्टम शुरू हो जाते हैं, जिसमें कितना किलोमीटर्स पर लीटर चला है उसके बारे में पूरी जानकारी बताई जाती है। और बीच वाले पोर्शन को अगर टैली करें तो कुछ इस प्रकार का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि हरमन का है, जैसे आप कंपनी इसे टैली कर रहे होंगे। ऊपर से मैं क्लोज बाय दिखा रहा हूँ। और वहीं पर अगर आप इसके सिस्टम को देखें तो आप नोटिस करिएगा कि इसका जो टच है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूद है। एक टचिंग से ही काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जितने भी अभी फीचर्स दिए हैं उससे ज़्यादा इसका जो टच स्क्रीन है वो बेनिफिशियल साबित होता है, जो कि हल्के से आपके टचिंग पॉइंट से बहुत ही अच्छा वर्क करता है। फिर जैसे आप नीचे वाले पोर्शन की तरफ देखेंगे तो आपको एसी के वेंट्स दिए हुए हैं, और एसी के वेंट्स जो ये दो अलग अलग प्रकार से दिए हुए हैं, उसका जो आउटर लाइन है इसमें आपको सिल्वर सिंपल मिलता है, बाकी व्हीकल की तरह क्रोम टच नहीं मिलता है। फिर नीचे वाले पोर्शन का कुछ ऐसा है सेंटर कंसोल, जो कि नीचे ख़त्म होते हुए आपको यहाँ गियर सिस्टम में तक मिलता है, जो कि ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े से स्पेस दिए हुए हैं, और यहाँ पर 12-volt सॉकेट दिया हुआ है, जो कि नॉर्मल बाकी गाड़ियों में देता है। और इस प्रकार से आपको हैंड ब्रेक्स मिलेंगे। और वहीं पर अगर डैशबोर्ड की तरफ अगर देखें तो इसका जैसे ही आप क्लोज बाय लुक देखेंगे तो सबसे ऊपर जो पोर्शन है वो रबी गेस्चर में आता है। उसके बाद हल्का सा इसमें खूबसूरती के लिए एक लाइनिंग प्रकार का डिज़ाइन दिया हुआ है, और ये वाला रबी गेस्चर में आपको वाइट मिलेगा। पर आप नोटिस करिएगा ये जो वाइट कलर है ये मिलता है ट्राइगोरो डिज़ाइन के ऊपरे वाले लुक में, जो कि इस इंटीरियर को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। और नीचे एज यूजुअल ब्लैक दिया हुआ है। जैसे आप साइड के पोर्शन की तरफ देखेंगे तो साइड में पूरी तरीके से ये जो ब्लैक पोर्शन है उसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है सेम जो इसमें दिया हुआ है वही चीज़ सेम मटेरियल उभरे हुए ट्रायर और डिज़ाइन में वाइट कलर का इस सेक्शन में भी प्रोवाइड कराए गए हैं। और ड्राइवर प्रोस्पेक्टिव की तरफ देखेंगे तो मैं अभी करेक्ट अपने आई साइड पे चीज़ें रखा हुआ हूँ, तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, जिसमें जैसे मैं आपने शुरू में बताया था कि वो कुछ ऐसा दिखेगा। और अब आते हैं स्टेयरिंग की तरफ, तो स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रिपिंग के लिए मजबूत साबित होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हल्के जो कर्व हैं ये और बेनिफिशियल इसलिए भी साबित होते हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रिपिंग के लिए मजबूती होगा, और वहाँ पर हल्का सा इस स्टेयरिंग को खूबसूरत बनाने के लिए सिल्वर टच दिया हुआ है। लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो वॉल्यूम का अप डाउन इसमें देता है, जो कि लेफ्ट हैंड से आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और फोन कट ऑप्शन और पिंगिंग ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। और राइट साइड का कुछ इस प्रकार का सिस्टमेट है, जिसमें हॉर्न आपके लिए दाएं साइड के प्रेसिंग से दिया हुआ है। अब आते हैं राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड में जैसे आप देख रहे होंगे तो हैंडल जो ओपनिंग है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, उसी के जस्ट बगल में आपको स्पीकर्स मिलेंगे। और नीचे आप सिस्टमेट कंट्रोल देखेंगे तो पावर अप डाउन के लिए दिया हुआ है सामने, जो कि कुछ आपको क्रोम टच इसमें नहीं मिलता, सिंपल ब्लैक है। और नीचे वाला सेक्शन पीछे के लिए भी वही सेम दिया हुआ है, पर हल्का सा वाइट इसमें खूबसूरती ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, जो कि सेम एज इट इज़ आप सामने के डैशबोर्ड में देख चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से सिंपल इंटीरियर रहता है, जो ड्राइवर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से उसी आई साइट के हिसाब से मैं बताया हूँ टर्न लेते हुए। और जैसे पीछे वाले पैसेंजर्स देखेंगे तो मैं हल्का सा आपको पीछे के सेक्शन से कैसा दिखेगा वो दिखा देता हूँ, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो कि ओवरऑल एक पैमाने में खूबसूरत ज़रूर है इसका सामने का डैशबोर्ड, अगर क्लोज बाय लुक में अगर आप देखना चाहें तो। ओवरऑल अगर आपको कैसा भी ये लगा वीडियो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और आने वाले समय में मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो एक्सटीरियर और इंटीरियर का लेकर आऊँगा विथ ड्राइव एक्सपीरियंस, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं वो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।